आज तो यहाँ से खड़ा है देवेश चंद कहता है। देवेश चंद ठाकुर देखे हैं कभी उनको? ना हम लोग नहीं चिंता न देखे हैं। आप देखे हैं जी? ना हम ना चिंता। चुनाव लड़ रहे हैं उनको नहीं देखे हैं? ओ हम के वो एक के बात हम कहे छी हम होते आते हैं कि नहीं आते हम अब आप ही आए हैं चले जाते तो हम क्या जानेंगे जब कौन है। नामिनेशन हुआ है देवेश चंद का एगो और कौन दुनी है यादव जी अर्जुन हाँ अर्जुन राय उसको वो हम सब माने हम सब खेत में लौटाए वाला छी। आस पास रहेगा उसके? हाँ आस पास क्या रहेगा जो हमको काम देगा हमसे बोलेगा बतियाएगा उससे न हम काम देंगे बहुत अजय कभी भेंट नहीं करेगा वोट दे देंगे चल जाएगा वहाँ जिला पर बैठा रहेगा जाएगा कोई काम से परवियो करने के अरे जाओ जाओ अभी फुर्सत नहीं है कोई नहीं है हटो हटो यहाँ से तो उसको हम वोट देंगे। यहाँ तो जनता का मूवमेंट जहाँ बनेगा वहाँ देगा अभी तो मिनटों में लोग पलट जाता है मिनटों में पलट जाता है। अब देखिए हम सब मूर्ख आदमी है। चिलचिलाती धूप में सीतामढ़ी के अंदर एक झोपड़ी के नीचे कुछ लोग बैठे थे हम भी बैठ गए। समझते हैं इनसे चुनाव का माहौल क्या है मिजाज क्या है वोटर और नेता का रिश्ता कैसा है। क्या नाम है चचा? हमर घर तो पड़े रामपुर मझौलिया। रामपुर मझौलिया जी हम जा साइकिल बनवा दे। साइकिल बनवा जी। चुनाव के कहाँ लग रहा है? आप देखिए हम सब मूर्ख आदमी है। काहे मूर्ख है? आप देखिए हम सब न पढ़ल लिखे हैं न किछो है। वोटवा तो आप ही लोग दीजिए ना जी। ओ तो जे सब जाते के जा रही सब? आप देखिए किसी के कहने पर वोट दीजिएगा कि अपने से दीजिएगा? हाँ अपने से देंगे। तो क्या लग रहा है कि गांव में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए क्या विकास? हम हजूर अपने जोड़े जो बैठम तब ना माने हमरा आती होती। अच्छा आपके गांव में क्या क्या कमी दिख रहा है जो होना चाहिए? वो हम सब माने हमारे सब खेत में लुटाए वाला छी। खेत में लुटाए तो जी जी हमारे सब राजनीति हमारे सब न। किस चीज का खेती करते हैं? किस चीज का खेती करते हैं? गजरा मुरई बो देते हैं जी। अब अपने अब सब बात अपने पूछे तो हम भी पूछ रहे हैं कि आप किसको वोट दीजिएगा? अरे हम क्या हमारे जहाँ लोग सब जाएगा सब जाएगा देखा देखी। क्या नाम है चाचा आपका? नवल महतो। महतो जी आपका क्या लग रहा है? हाँ माने आप किस तरफ इस बार मिजाज आपका हो? मिजाज तो यहाँ से खड़ा है देवेश चंद कहता है। देवेश चंद ठाकुर देखे हैं कभी उनको? ना हम लोग नहीं चिंता न देखे हैं तो वही देवेश चंद ठाकुर को नहीं देखे हैं? ना आप देखे हैं जी? ना हम ना चिंता। चुनाव लड़ रहे हैं उनको नहीं देखे हैं? ओ हम के वो एक के बात हम कहे छी हम होते गाँव में नहीं आते हैं। अब आते हैं कि नहीं आते हम अब आप ही आए हैं चले जाते तो हम क्या जानेंगे जब कौन है कौन कौन नेता यहाँ आके घूमता है कोई है? हमसे अभी किसी से भेंट नहीं है ना हम लोग जानकारी है उस चीज का। सुनते जो नामिनेशन हुआ है देवेश चंद का एगो और कौन दुनी है यादव जी अर्जुन हाँ अर्जुन राय उसको। अच्छा यही दोनों का चल रहा है? यही दोनों का चल रहा है। हाँ तो क्या लग रहा है दोनों में कौन जीतेगा आपकी बार? यहाँ तो जनता का मूवमेंट जहाँ बनेगा वहाँ देगा अभी तो मिनटों में लोग पलट जाता है मिनटों में पलट जाता है। आप पलटिएगा कि आप बरकरार रहिएगा? आप पलटिएगा हम लोग तो देंगे जहाँ सही जगह पर जाना वाला होगा उसी जगह देंगे। सही जगह पर आपके आस पास रहेगा उसपे? हाँ आस पास क्या रहेगा जो हमको काम देगा हमसे बोलेगा बतियाएगा उससे न हम काम देंगे बहुत अजय कभी भेंट नहीं करेगा वोट दे देंगे चल जाएगा वहाँ जिला पर बैठा रहेगा जाएगा कोई काम से परवियो करने के अरे जाओ जाओ अभी फुर्सत नहीं है कोई नहीं है हटो हटो यहाँ से तो उसको हम वोट देंगे। ऐसे बोलता है लोग? तो बोलता है ना छोटका से बोलता है मुखिया सरपंच होता है से वो तो बड़का आदमी है उससे कौन जाएगा मुँह लगाने? बड़का इसलिए मुँह नहीं लगाइएगा अरियाज के बारे में बिलगा देता है। बिलगा देता है अब क्या कहे कभी गए थे?
गए थे माने अब जे हलई है तीन तीन का आगू में माने बोलते थे ता रहता है घरे में माने नहीं है जा लगा दिया। अब क्या कर तो आपकी तो आपको सबक सिखाइएगा ना, वोट मांगे आएंगे तो हाँ तो बिलगावे वाले लोग को सबक हाँ अभी बिलगा दीजिए। हाँ हाँ तब तो वो है बात हम भी कहेंगे अभी हाँ हम नहीं चिंते हैं नहीं चिंते हाँ आप नहीं चिंते हैं। अरे हमारे यहाँ माहौल तो क्या है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री तो नीचे को उम्मीदवार देख रहे हैं लोग इसलिए मोदी जी को हम लोग उसी को वोट करेंगे जो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है और नरेंद्र मोदी को जो है जो जो भी कैंडिडेट आएगा उसे हम लोग वोट करेंगे। कोई कैंडिडेट माने नहीं रखता, माने क्या रखता है, मोदी जी का झंडा टूट होएगा उसको। देश को चलाने वाला व्यक्ति होना चाहिए क्या, माहौल यही है माने इस पंचायत का माहौल है, पंचायत हाँ। पंचायत में पड़ता है। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो, क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।